नर्मदे हर। और आज 4 जनवरी सुबह के 8 बजे और रात्रि को हम हनुमान टेकरी रुके थे। अब यहाँ से आगे बढ़ रहे विमलेश्वर की तरफ और यहाँ से विमलेश्वर 8 या 9 किलोमीटर बता रहे। ओके, कहाँ भागे थे? दंड भूल गए थे। और ये देखिए बस भी रुकी हुई है क्योंकि वाहन वाले यात्री भी ज़्यादातर यहीं रुकते हैं। कुछ लोग कोटेश्वर चले जाते और कुछ लोग विमलेश्वर चले जाते। और आज भी कोहरा ऐसा ही है और ठंडी भी बहुत है। सूर्यदेव एकदम नारंगी की तरह लग रहे। और ये देखिए ऐसे बड़े बड़े बोर्ड, मैंने कल भी आपको बताया था बोर्ड आवश्यकता से अधिक बड़े बना दिए। और सब लोग जा रहे सीधे और हमें वहां से मुड़ना पड़ेगा कोटेश्वर जाने के लिए राइट की तरफ। और देखिए हनुमान टेकरी वो रही, हनुमान टेकरी वहां से आते 300-400 मीटर तो ये 4 रास्ते आते। भगवान का पाटिया है, इधर भगवान गांव को जाता है रास्ता और यहाँ से ये चलिए भाई ये विद्युत बोर्ड है और इसके पास से ये रास्ता सीधा कोटेश्वर जाता है और कोई 1-2 किलोमीटर है कोटेश्वर यहाँ से। और कोटेश्वर के बाद हम विमलेश्वर जाएंगे। बहुतायत लोग यहाँ से सीधे विमलेश्वर निकल जाते हैं। यहाँ से सीधा 7 या 8 किलोमीटर पड़ता है, यहाँ से 2 किलोमीटर के आसपास बढ़ जाता है। और अभी हम जहाँ चल रहे हैं वो पूरा क्षेत्र समुद्र देवता के अंडर ही आता है। ये पानी भी समुद्र का खारा पानी ही है। ये जैसे सूख जाता है नमक बन जाता है। और यह दूर दूर तक ये सिर्फ घास ही दिखाई देंगी। नाम तो मेरे को पता नहीं है भाई घास का। और इस रास्ते पर देखिए दूर दूर तक कोई नहीं है, कोई परिक्रमासी ना आगे है ना पीछे है क्योंकि यहाँ पर बहुत कम आते हैं। और वैसे भी हम चले भी लेट हैं तो कहाँ से कोई आएगा। हाँ गणपति जी, ऐसी बात नहीं है, सभी लोग यहाँ से लेट ही निकले क्योंकि ठंडी इतनी है और अभी भी इतनी सर्द हवाएं बह रही है कि शब्दों में क्या बयान करें। हाँ और हम मुख्य मार्ग से कोई 1-2 किलोमीटर आते हैं, 1 से 1.5 किलोमीटर तो ये देखिए सामने जो आपको मंदिर दिखाई दे रहा है ये है कोटेश्वर। और यहाँ पर ये 3 रास्ते पड़ते हैं, ये आगे सीधा कोटेश्वर जाता है मंदिर को और यहाँ से वापस आते तो ये रास्ता कतपुर जाता है, कतपुर के बाद विमलेश्वर। और अभी हम जिस दूसरे कोटेश्वर पर पहुंचे ओमकारेश्वर से विमलेश्वर तक आते हैं दक्षिण तट पर तो ये मैया के तट पर दूसरा कोटेश्वर है। और पहले जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि मैया के दोनों तट पर 8 कोटेश्वर है और ये दूसरा वाला कोटेश्वर है। और इसकी कथा ये है कि जब पहली बार मैया का समुद्र देव के साथ संगम हुआ तो यहाँ पर करोड़ों ऋषि मुनियों साधु संतों यक्ष किन्नर गंधर्व देवी देवताओं ने यहाँ पर मैया की स्तुति की थी एकत्रित होकर और इसीलिए इस तीर्थ को कोटेश्वर तीर्थ कहा गया है। और दर्शन कीजिए अभी कोटेश्वर महादेव के, बहुत ही विशाल प्रांगण है इसका आश्रम का
और रहने की भी अच्छी व्यवस्था है, मगर बहुतायत परिक्रमावासी जानकारी के अभाव में यहाँ आते नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा अंदर पड़ता है 1.5 किलोमीटर। और यहाँ देखिए तो देखिए सामने की भी रहने की व्यवस्था, यहाँ पर भी बहुत बड़ा हॉल है। और यह है भगवान कोटेश्वर का मंदिर। जय गजानन महाराज, बजरंग बली। और यहाँ पर दर्शन कीजिए भगवान कोटेश्वर महादेव के। और यहाँ का जो शिवलिंग है वो एकदम देखिए शंकु के आकार का है। जय भोलेनाथ। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर गुजराती में है इस तीर्थ के महात्म्य के बारे में। इसमें लिखा गया कि रेवा खंड 108 स्कंद पुराण प्रमाणित कोटेश्वर महात्म्य अनुसार करोड़ों देवताओं के साथ नर्मदा माता जी ने यहाँ आगमन किया था, और समुद्र देव ने रत्न जड़ित आसन देकर सभी का स्वागत किया था। नर्मदा संगम रत्नासागर नाम पड़ा, और साथ में आए हुए करोड़ों देवताओं ने यहाँ पर कोटि तीर्थ की स्थापना की, इसीलिए इसे कोटि तीर्थ कहा जाता है। और यहाँ पर जप तप दान धर्म करने से करोड़ों गुना ज़्यादा फल प्राप्त होता है, ऐसी मान्यता है। और एक मान्यता ऐसी भी लिखी हुई है कि यहाँ पर जो परिक्रमावासी आते हैं उन्हें अमरकंटक से यहाँ तक आने वाले सभी तीर्थों का फल प्राप्त होता है। देखिए ठीक सामने कुंड बना हुआ है जिसके 20-20 नर्मदा मैया को भी विराजित है। और इस कुंड के चारों तरफ नारियल के पेड़ अतिरिक्त शोभा में वृद्धि करते हैं। और यहाँ पर देखिए आप, ये घंट भी बहुत बड़ा है। और यहाँ पर परिक्रमावासी नहीं आते, इसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि यहाँ पर कोई पूछने वाला नहीं है। पता नहीं, अंदर एक बाबा जी है मगर बोलते नहीं है और किसी को कुछ भाव नहीं देते, शायद इसीलिए लोग नहीं आते होंगे। और चारों तरफ देखिए मैदानी मैदान है समुद्र देवता का। चलो भाई, सुबह के 9 बजे और कोटेश्वर के दर्शन कर अब हम बढ़ते अपनी यात्रा पर विमलेश्वर की तरफ। और आगे तो मैंने आपको रास्ता बता ही था, मगर यहाँ से भी शॉर्ट रास्ता लोगों ने बना दिया है, सीधा वह सामने निकल जाते। और अपनी समझदारी दिखाते हुए हमने स्वेटर तो निकाल दिया और बैग में भर दिया, मगर ठंडी जबरदस्त लग रही है। ठंडी को भगाने के लिए कुछ भजन गाए भाई। चलो
सुनाई नहीं दे रहा। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोल के भी मोरे सत गुरु। फिर आगे वस्तु अमोल के भी मोरे सत गुरु, कृपा करे अपनायो। कॉपी कर ली हमारी। ठीक ठीक नर्मदे और दादा यहाँ देखिए गन्नों पे फूल लगे हुए, परिपक्व हो चुके गन्ने। और देखिए सूर्य भगवान आपको चंद्र की तरह दिखाई दे रहे होंगे और ओझल भी होंगे, इतनी धुम्मस है। और सुबह के अभी 9:30 बजे। चलिए भाई और सुबह के अभी 9:30 बजे हम कतपुर गांव पहुंचे। ये कतपुर गांव है और पहले सागर पार करने के लिए नावें यहीं से चलती थी। और सुबह के अभी 10:15 बजे और कतपुर से हम काफ़ी आगे आए, लगभग 2 किलोमीटर आए कतपुर से। और विमलेश्वर यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर होगा। और यहाँ रास्ते में हम जगह देख के थोड़ा विश्राम और बाल भोग के लिए रुके और फिर आगे बढ़ेंगे। हवा बहुत ही सर्द है, ठंडी ठंडी हवा है। काला बर्तन पात्र। और कतपुर के बाद 2-2.5 किलोमीटर चलते हैं, एक कच्चा रास्ता आ जाता है। और अभी विमलेश्वर तक हमें एक कच्चा मार्ग ही मिलेगा, यही रास्ता। ऐसा नहीं है कि कतपुर से विमलेश्वर तक कच्चा मार्ग है, पक्का मार्ग भी है, मगर ये शॉर्ट रास्ता है, इसीलिए हम इधर से आए। वरना हनुमान टेकरी से सीधे आते तो पक्की सड़क सीधी विमलेश्वर आती है, और कतपुर से भी एक पक्की सड़क विमलेश्वर आती है। इस रास्ते से हमारा 1-2 किलोमीटर कम हो जाता है। और फाइनली सुबह के 11 बजे हम विमलेश्वर पहुंच गए। ये जो आगे आपको गांव दिखाई दे रहा है ये विमलेश्वर है, और उस तरफ है वो सामने त्रिशूल दिखाई दे रहा है, वो भगवान विमलेश्वर का मंदिर है। और ये देखिए ये पक्की सड़क आ गई जो हनुमान टेकरी से सीधी आती है। और यह सामने से विमलेश्वर मंदिर है, और उससे पहले ये स्कूल है, और इसके पीछे बिरला जी का बिरला धर्मशाला है जो बिरला ग्रुप के द्वारा बनाई गई है परिक्रमावासियों की सेवा। और बिरला धर्मशाला में रहने के लिए 50 रुपये प्रतिदिन का चार्ज लिया जाता है। और यहाँ से देखिए जैसे ही गांव में प्रवेश करते स्कूल के पीछे ही सरला बसंत
बिरला विश्रांति भवन। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि नाव का टिकट पाने का रजिस्ट्रेशन फॉर्म नर्मदा मैया मंदिर की खिड़की बुकिंग काउंटर पर से मिलेगा, दर रोज सुबह 8:30 से 12:30 तक और दोपहर 2 से 5 तक। और ये देखिए धर्मशाला है, बहुत ही सुंदर है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे हॉल बने हुए हैं। और इस तरफ देखिए ड्रिंकिंग वाटर की भी सुविधा है। और इस तरह से साफ सुथरे हॉल मिलते हैं, बहुत सारे यात्री एक हॉल में रुक सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे हॉल है और प्राइवेट रूमें भी यहाँ पर मिल जाती है। हमने यहाँ पर आसन लगाया। और ये बाहर की तरफ बैठने के लिए बेंच लगी हुई है। और इस तरफ टॉयलेट बाथरूम है। और बिरला धर्मशाला में हम आसन लगाकर नाव के बुकिंग हेतु जा रहे हैं। नर्मदा माता मंदिर के खिड़की पर बुकिंग होता है। और यहाँ प्रवेश करते ही भगवान रामदेव पीर का मंदिर है। और यहाँ पर देखिए बहुत ही सुंदर मंदिर है। और पिछली बार आए तब इसका काम बंद रहा, अभी काम हो रहा था, दर्शन बाद में करेंगे, चलो पहले बुकिंग करा देते हैं। और ये सामने है विमलेश्वर का मंदिर। यहाँ पर देखिए हमारे सब्सक्राइबर मिले हैं, मोहन भाई इनका नाम है। और कहाँ से आए हो? हम सेगवा से आए हैं, वडोदरा जिले से। और इन्होंने अभी हमारा नाम बहुत अजीब कहा था, सिंगम मार। ठीक है दादा, वीडियो देखते रहिए पूरे। ओके, नर्मदे हर। और यहाँ पर नाव के लिए बुकिंग होता है। हमने ये पर्ची कटवाई है 5 का ग्रुप बनाकर। हाँ, ऐसे 5 का ग्रुप बनाकर यहाँ पर बुकिंग कराते हैं। और विमलेश्वर मंदिर में परिक्रमावासियों के रुकने के लिए व्यवस्था है। यहाँ पर भी बहुत अच्छी व्यवस्था है। और यह है भगवान विमलेश्वर का मंदिर। और बहुत ही विशाल प्रांगण है, अगर नवंबर में आते तो यहाँ पर भी सोने की जगह नहीं मिलती है। और अभी तो मंदिर बंद है, दोपहर के बाद दर्शन हो पाएंगे। और ये मंदिर देखिए आप, बहुत ही सुंदर ऊपर शिवलिंग बनाया हुआ है, वासुकी नाग है। और विमलेश्वर का अर्थ होता है माँ नर्मदा के जो सहस्त्र नाम है उनमें एक नाम है विमला, मतलब कि निर्मल करने वाली, मल से मुक्त करने वाली। और ये तीर्थ है, यहाँ पर कई लोगों ने, इंद्रदेव ने तपस्या करके मल से मुक्त हुए, कहते ब्रह्मा जी भी यहाँ पर अपने मल से मुक्त हुए, इसीलिए इस तीर्थ को विमलेश्वर कहते हैं।
और यहाँ पर भी भगवान भोलेनाथ विराज जी है और नीचे गर्भ गर्भ है। और बहुत सारी सीढ़ियाँ नीचे उतर के आते हैं तो यहाँ पर भगवान के दर्शन होते हैं। देखिए बहुत ही प्राचीन शिवलिंग है। बहुत ही सुंदर मंदिर बनवाया और सामने देखिए शंख, शंख की जो आकृति बनाई हुई है बहुत ही सुंदर है। और यहाँ से पानी भी निकलता है और यहाँ पर घंटी देखिए, ये घंटी बहुत ही यूनिक है। यहाँ पर विभिन्न मुद्राओं में भगवान कृष्ण के बाल लीला दर्शाई गई है। और शाम के अभी 5 बजे, दोपहर को भोजन प्रसाद के बाद आराम कर रहे थे और अभी जगह है तो दर्शन के लिए आए। मंदिर भी खुला है, दर्शन करें। आ जाओ। रत्नेश्वर और वमलनाथ महादेव और गणपति देव रिद्धि सिद्धि के साथ आइए, प्रवेश करिए। और यहाँ पर 2 शिवलिंग स्थापित है, ये रत्नेश्वर उधर विमलनाथ। रत्नेश्वर के दर्शन कीजिए। नंदी महाराज का सिंह टूट गया है। भोलेनाथ चलो माता जी, यहाँ से शुरू करो। गणपति महाराज, भगवान दत्तात्रेय, इधर इधर भगवान राम और ऊपर भी बहुत है दीवार पे बने हुए। चलो यहाँ पर नर्मदा मैया अति सुंदर दर्शन करिए और यहाँ से 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कीजिए। तो गौमुख बना हुआ, यहाँ से देखो गुश्मेश्वर और फिर केदारेश्वर, त्र्यंबकेश्वर। यहाँ पर कौन सी माता जी है? पार्वती माता है। काशी विश्वनाथ है यहाँ पर, नागेश्वर और रामेश्वर, ये भीमेश्वर महाराज, आगे वेदनाथ, ओमकारेश्वर और फिर से पार्वती माता, इधर महाकाल, उज्जैन, मल्लिकार्जुन और भगवान सोमनाथ। यहाँ से शुरुआत होती है 12 ज्योतिर्लिंग और इस तरफ हमारे रंग अवधूत महाराज नारेश्वर वाले। ये देखो और इस तरफ साईं बाबा भी है। और इस तरफ बजरंग बली, नर्मदे हर। और यहाँ पर विमलनाथ भगवान है, विमलेश्वर, मगर अभी ढके हुए हैं। विमलेश्वर के अंदर से स्वयंभू जल निकलता है।
और यहाँ पर देखिए सुबह खाली था, धीरे धीरे भरने लगा है। हो गया भाई चाय प्रसाद। हाँ दो दो बार गिलास भर भर के चाय पी रहे। अचानक आके डरा रहे हो? डरा क्या रहे, दो दो गिलास को चाय पीने का होता है। हाँ तो एक खाली करके दूसरा पिया। चले फिर ये था स्थान। शाम के अभी 5:30 बजे और अभी हम क्या बोलते हैं आश्रम तो नहीं बोल सकते, विमलेश्वर से मंदिर से पीछे की तरफ आ रहे थोड़ा घूमने के लिए। देखिए ये सब सारी जगह समुद्र महाराज की है। घास क्या बोलते हैं इस घास को दादा, नाम तो नहीं पता मुझे भी। यहाँ से अब सनसेट लेंगे हम। घाट नहीं, घास घास इधर घुमा दू। कोई बात नहीं, यहाँ पर नमक की खेती होती है, इसमें पानी भर के लगा हुआ है। हाँ वो नमक का ढेर लगा हुआ है, जो काला काला दिख रहा है वो ऐसे ही अंदर से वाइट है। यहाँ पर पानी भरा जाता है और फिर पानी सूखने के बाद नमक बनता है। हाँ पूनम और अमावस को जब ज्वार बाटा आता है। और यहाँ से सुबह हमें कम से कम 1.5 से 2 किलोमीटर जाना है दादा। 2 किलोमीटर नर्मदे हर नर्मदे हर। एक मंदिर से हम काफी आगे हवा कितनी तेज चल रही है, आवाज भी आपको कैमरे में आ रही होगी और उड़ती घास को देखकर आप पता लगा सकते हैं कि हवा कितनी तेज है। तोती अभी उड़ रही है हमारे साथियों की, स्पष्ट देख सकते हैं। और सुबह हमें इसी मार्ग से नाम में बैठने के लिए जाना है। देखिए मोहन भाई और गणपत जी उल्टे उल्टे चल रहे और मोबाइल में भी सनसेट दिखा रहे घर वालों को, थोड़ी देर में सनसेट होगा। और ये ऊपर की तरफ कमरे है, नीचे हॉल है और ऊपर कमरे है। बंद होगा क्या दूसरे? बंद है हाँ, ये रूम है और हमारे ये साउथ वाले बाबा जी यहाँ कमरे में रुके हुए हैं। और कमरे का किराया है 1200 रुपये, 1000 रुपये, 1200, 1000। तीन आदमी के लिए 1200, 2 आदमी के लिए 1000। जी ठीक। और शाम के अभी 7 बजे और हम अपने वहाँ से आ विश्राम गृह से अब वापस विमलेश्वर आए हैं मंदिर में, क्योंकि भोजन प्रसाद के लिए यहीं आना पड़ता है, वहाँ पर सिर्फ रुकने की व्यवस्था है। और ये देखिए रात के टाइम में विमलेश्वर। और यहाँ पर देखो चाय तो यहाँ पर भैया बनाता है, पूरा विमलेश्वर घूमे कोई फ्री नहीं था चाय बनाने के लिए। और शाम के अभी 8 बजे और भोजन प्रसाद कर हम वापस
अपने आसन पर आ गए और नाव की टिकट भी हमने ले ली है, इस तरह की टिकट मिलती है। तो आज के वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं और आज की हमारी यात्रा होती है हनुमान टेकरी से विमलेश्वर कोटेश्वर होते हुए लगभग 10 किलोमीटर की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नर्मदे हर नर्मदे। और देखिए सोते समय गणपत जी सेवा कर रहे, पैर में दर्द बढ़ गया है, कम चलते फिर भी दर्द बढ़ गया है। और कुछ लोग कमेंट करते हैं कि इतना चलोगे तो कब पूरी होगी, और देखिए यात्री बहुत कम ही है।